हे टेक लवर्स, क्या हाल है। तो आप देख सकते हो सामने की तरफ हमारे पास एक बड़ा सा प्रोडक्ट है। आखिर क्या ये प्रोडक्ट, तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, यानी कि जेब्रोनिक्स का वायरलेस कीबोर्ड है। जेब्रोनिक्स जेब कंपेनियन 102 इसका मॉडल नंबर। तो अगर मैं इस वायरलेस माउस और कीबोर्ड की बात करूं, तो भाई आप देखो, अगर आपका भी बजट बहुत टाइट है, आपको 800 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ के अंदर ही अच्छा सा एक कीबोर्ड चाहिए, तो आप अगर अमेजोन पर सर्च करते हो तो सबसे टॉप पर आपको ये जेब्रोनिक्स का जेब कंपेनियन 102 यही कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें ना, 800 रुपीज़, तो इस प्राइस पर हमें बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आपको भी लेना है ना, तो इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर भी इसे परचेस कर सकते हो। तो जल्दी से मैं इसको सबसे पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ, फिर अनबॉक्स करने के बाद हम इसके आगे के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जानेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हो ये है हमारा जेब्रोनिक्स का जेब वॉरियर माउस एंड कीबोर्ड। तो भाई आप देख सकते हो सामने की तरफ का कुछ ऐसा इंटरफेस हमें इसका देखने को मिल जाता है, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका, और यहाँ पर आपको जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है पैक किया गया, बहुत ही सिंपल सी पैकिंग थी, बस हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर जो माउस और कीबोर्ड है उसे प्लास्टिक में रैप किया गया, बस बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है। और अगर हम इस कीबोर्ड को देखें तो देख सकते हो आप, यहाँ पर प्लास्टिक में इसको रैप किया गया। तो मैं जल्दी से इस कीबोर्ड को ओपन करता हूँ। तो या आप देख सकते हो ये है हमारा जेब्रोनिक्स का जेब कंपेनियन 102 वायरलेस कीबोर्ड। तो जल्दी से हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें सेल्स भी दिए जाते हैं माउस और कीबोर्ड के लिए, तो आपको एक्सटर्नली खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर अभी हम आते हैं हमारे माउस की तरफ। ये है हमारा जेब्रोनिक्स का जेब कंपेनियन वायरलेस माउस, तो इसे भी हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा वायरलेस माउस जो कि 800 रुपीज़ में ही देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बताऊँ ना गाइस, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी लगी मुझे, बहुत ही अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छी भी नहीं है, मिडल में बोल सकता हूँ, अच्छी खासी ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल सी बिल्ड क्वालिटी इसके हमें देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक भी यूज़ किया गया, स्टडी प्लास्टिक है, अच्छा सा लगता है। इसके जो बटन फील है बहुत अच्छे से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मैं जल्दी से इसको टेस्ट और सेटअप करके आता हूँ, फिर आगे की जो जानकारी वो आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो अगर हम कीबोर्ड्स के लुक्स को साइड में रखें और कीबोर्ड्स के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स देखें, तो स्पेसिफिकेशन और फीचर्स में तो ये भाई बहुत अच्छा रैंक कर जाता है मेरे हिसाब से, यानी कि मैंने जब इसे यूज़ किया, टेस्ट किया, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छी लगी, ठीक ठाक थी, अच्छी सी थी प्राइस के हिसाब से। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बजट है, बजट को देखते हुए चलो, क्योंकि आप ज़्यादा पे नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी आप इससे नहीं कर सकते। तो अगर हम इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस में की बात करें, तो आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर बहुत ही बड़ी सी ब्रांडिंग में यहाँ पर दिया है कि इसमें हमें रूपी की देखने को मिलती है, और हाँ रूपी की है, रियल में है, यहाँ पर दी गई ब्रांडिंग है तो दी गई है रूपी की, तो रूपी की भी अच्छी वर्क करती है। अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड देखोगे तो वहाँ पर हमें रूपी की बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, तो पर इसमें हमें रूपी की देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो अगर रूपी की नहीं होती तो मुझे गूगल पे जाकर सर्च कर कर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होता जहाँ पर मुझे यूज़ करना है, पर अगर मुझे अभी रूपी की चाहिए तो बस FN दबाओ और रूपी की आ गई। तो रूपी की वजह से बहुत हमारा जो काम है आसान हो जाता है। तो इसके जो और जो फीचर्स है, जैसे कि इसमें हमें मल्टीमीडिया कीज देखने को मिल जाती है। अगर मल्टीमीडिया कीज क्या होती है, यानी कि अगर आपको वॉल्यूम अप करना है तो आप डायरेक्टली FN दबाकर वॉल्यूम अप कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। अगर आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो सॉन्ग प्ले कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, आगे ले सकते हो या बैकवर्ड ले सकते हो साउंड को। तो ये सारे जो मल्टीमीडिया कीज हम इसमें देखने को मिल जाते हैं, टोटल 12 मल्टीमीडिया कीज हम इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये भी कहीं पर अच्छी खासी बात बन जाती है कीबोर्ड में। तो ये था इसका कीबोर्ड और टोटल जो इसके बटन्स हैं। अगर हम इसके बटन्स की बात करें, जब आप टाइपिंग करते हो, अगर आप एक फास्ट टाइपर हो मेरे जैसे, तो भाई आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, तो कहीं पर अगर आप फास्ट टाइपिंग करते हो तो आपको जो टाइपिंग में एक दो वर्ड मिस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं उनमें ये ज़्यादा करके प्रॉब्लम होता है, कभी भी आप अगर फास्ट टाइपिंग करते हो तो एक दो वर्ड मिस हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। पर ये जो बटन्स जो दिए गए हमें एलिवेटेड देखने को मिल जाते हैं, यानी कि फ्लोटिंग की कैप्स के जैसे देखने को मिलते हैं। फ्लोटिंग यानी कि ऐसे जो बटन्स होते हैं वो हमें ऐसे एयर में फ्लोट होते हुए दिखते हैं, तो जिसकी वजह से जो लुक्स है वो हमें
तो एलिवेटेड कीज होने की वजह से तो जो कीबोर्ड है बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव लुक आपको दे देता है। बेसिकली गाइस क्या होता है कि जब भी आप कोई कीबोर्ड लेने जाते हो वहाँ कीबोर्ड आप देखते हो और जब आप कीबोर्ड नया परचेस करते हो तो नया नया होता है, जो उसके ऊपर के जो प्रिंटेड लेटर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से नए नए दिखते हैं, पर जैसे उस कीबोर्ड को एक साल हो जाता है या दो साल हो जाते हैं तो उसके ऊपर के जो नंबर्स है उसके ऊपर के जो लेटर्स है वो वैनिश हो जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखते और आपको समझता नहीं कि भाई कौन सा बटन कहाँ पर है। पर इसको प्रिवेंट करने के लिए जो की वैनिश होते जो लेटर्स वैनिश होते उन्हें प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ज़ेब्रोनिक्स ने आपको यूवी कोटेड दी गई, इसके ऊपर यूवी कोटेशन दिया गया, तो जो हमारे लेटर्स है जो हमारे नंबर्स है उसके ऊपर यूवी कोटिंग दी गई है, तो ये भी मुझे इसकी अच्छी बात लगी। और गाइस जो कीबोर्ड है ना वो स्पेशली हम इसमें पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि जैसे आपकी बैटरी डाउन हो गई पावर सेविंग मोड स्टार्ट, आपका जो अगर आप इसे यूज कर रहे हो और यूज करने के बाद आपने अपना कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो इसमें हमें कोई भी बटन नहीं देता है, ऑटोमेटिक पावर सेविंग मोड में चला जाता है यानी कि ऑफ हो जाता है और फिर जो आपका पावर है वो सेव हो जाता है। तो इसमें पावर सेविंग का भी फीचर दिया गया, साथ ही हमें इसके टॉप के ऊपर LED इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है बैटरी के लिए, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई लो हो गई तो ये जो LED इंडिकेशन लाइट है ये ब्लिंक करेंगी रेड लाइट में, तो जिसके से हमें समझ में आ जाता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो भाई आखिर मुझे कीबोर्ड कैसा लगा जब मैंने इसको यूज़ किया, तो भाई कीबोर्ड अगर लुक्स में थोड़ा सा नीचे हो जाता है, बजट देखो भाई तो बजट को देखते हुए चले तो लुक्स ठीक ठाक है, पर अगर आपका जो सेटअप है कंप्यूटर का सेटअप है बहुत ही अच्छा खासा है गेमिंग सेटअप है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये माउस और कीबोर्ड के साथ जाओ ये कॉम्बो के साथ, क्योंकि जो आपके सेटअप का जो लुक है वो डाउनग्रेड हो जाएगा, अच्छा खासा नहीं दिखेगा आपका सेटअप, तो वहाँ पर आप एक अच्छा खासा गेमिंग कीबोर्ड परचेस कर लो गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड। ये थी कुछ इसके लुक्स की बात, ये आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए, लुक्स चाहिए आपको अच्छा स्पेसिफिकेशन और फीचर वाला कीबोर्ड चाहिए, तो भाई स्पेसिफिकेशन और फीचर में तो ये कीबोर्ड बहुत ही तगड़ा है, मुझे सबसे अच्छा लगा। बिल्ड क्वालिटी भी इसमें प्लास्टिक देखने को मिल जाती पर जो प्लास्टिक वो भी स्टडी है तो कोई भी आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो कीबोर्ड के हिसाब से कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से आपको एज़ पर दी प्राइस आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो अगर आप ले रहे हो तो भाई डेफिनेटली आप जाओ, क्योंकि आपका अगर बजट टाइट है तो मैं बोलूँगा आप जाओ इस बजट के साथ, क्योंकि वायरलेस होने की वजह से बहुत अच्छे तगड़े फीचर ये दे देता है। अगर हम आए अभी ज़ेब्रोनिक्स की माउस के ऊपर, तो भाई ये जो माउस है बहुत ही तगड़ा लगा मुझे, तगड़ा सब मैं बार बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो माउस है ये जो मेरा जो डेल का वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड है उससे भी इसमें जो फीचर है जो स्पेसिफिकेशन है और एक सबसे अच्छा जो फीचर मुझे इसमें लगा है ना वो डेल के माउस को भी बीट कर देता है ये ज़ेब्रोनिक्स का माउस। तो क्या है वो फीचर मैं आपको अभी बता देता हूँ, समझ लो अगर आपने अपने सिस्टम में अडेप्टर लगा दिया माउस का और जैसे ही आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो जब अडेप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो माउस है जो हमारा माउस है वो ऑन हो जाता है, इसके जो नीचे की LED लाइट है वो ऑन हो जाती है और जैसे ही ऑन सिस्टम स्टार्ट तो माउस भी ऑन, जैसे सिस्टम ऑफ तो माउस भी ऑफ। ये फीचर मुझे सबसे तगड़ा लगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि डेल की इसमें मैं मैन्युअली जो माउस उसे ऑन ऑफ करना पड़ता है उसमें बटन दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए, अगर आपका सिस्टम ऑन हो गया तो बटन को ऑन कर दो आप, नहीं तो माउस काम नहीं करेगा, अगर आप बंद कर देते हो तो आपको जो बटन है उसे भी बंद कर रहा होगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है इसे मेरे साथ हो चुका है बहुत बार, मैंने उस माउस को ऑन ही रख दिया है बटन को ऑफ ही नहीं किया, ऐसे बहुत बार मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मुझे जो फीचर ये बहुत अच्छा लगा इस ज़ेब्रोनिक्स के माउस। तो वैसे हम इसके बटन्स की बात करें तो इसमें 3 बटन्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में रिजोल्यूशन जो इसका 1200 DPPI है बहुत अच्छा खासा है, और अगर हम इसके की स्ट्रोक्स की बात करें यानी कि माउस कितना समय तक आपको जब प्रेस करते हो तो कितने सारे प्रेसिंग ये सपोर्ट करता है, तो 2.4 मिलियन की इसकी की स्ट्रोक की सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। और वैसे ही गाइस हमें जो कीबोर्ड है उसमें हमें 14 मिलियन की स्ट्रोक देखने को मिल जाता है, यानी कि जो सारे बटन से आप अगर 14 मिलियन टाइम्स उन्हें प्रेस करते हो तो कुछ भी कीबोर्ड को नहीं होने वाला, तो इतना कोई डेफिनेटली यूज़ नहीं करता तो इसमें कोई भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो की स्ट्रोक वैल्यू भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है इन माउस एंड कीबोर्ड में। गाइस अगर मैं बेसिकली जो माउस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी हमें यहाँ पर प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, पर जो प्लास्टिक भी यहाँ पर यूज़ किया गया ना बहुत ही अच्छा खासा प्लास्टिक है, बिल्कुल भी आपको चिप फील नहीं देने वाला। अगर आपने देखा होगा तो डेल का जो वायर माउस आता है वायर्ड माउस उसके जैसे इसके हमें डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं, और भी ऐसे सेम टू सेम तो नहीं बोलूँगा पर हाँ जो माउस है सेम टू सेम उस डेल के वायर्ड माउस के जैसा दिखता है, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था एक बार, तो ऐसा इसका डिज़ाइन है।
तो बिल्ड क्वालिटी भी हमें प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी प्लास्टिक यूज किया गया। साथ ही में जो लुक्स है मैंने आपको बता दिया किसके जैसे माउस दिखता है, डेल के माउस के जैसा दिखता है। और अगर हम इसके जो बटन है जो इसका स्क्रोल है वो कैसा है, तो जो बटन है जो स्क्रोल है वो भी अच्छे लगे मेरे को। जो बटन की जो प्रेसिंग है मुझे बहुत ही स्मूथ लगी, और जैसे आप प्रेस करते हो समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा यूज़ किया गया है मटेरियल इस माउस में। और जो स्क्रोल है इसका, जो स्क्रोल है जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही स्मूथ है। येस डेफिनेटली गाइस, जो इसका माउस स्क्रोल है बहुत ही स्मूथ लगा मेरे को। एज पर दी प्राइस पॉइंट जो माउस है वो सबसे तगड़ा दिया गया इसको। अगर कीबोर्ड को साइड में रखिए तो माउस सबसे अच्छा लगा मुझे इस कॉम्बो में। और तो ये था इसका माउस, मुझे माउस कैसा लगा। लुक्स में भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी दी गई है, जो फीचर्स है जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी बड़े तगड़े देखने को मिल जाते हैं। गाइस अभी हम आते हैं हमारे इस रिसीवर की तरफ। भाई रिसीवर का कोई ज़्यादा कुछ तो बताता नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ जो रिसीवर है उसकी जो क्वालिटी है, नॉर्मल सी क्वालिटी, नॉर्मल भी नहीं है, बड़ी डाउनग्रेड इसकी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि प्लास्टिक है, चिप फिल करवा देता है। तो भाई आपके ऊपर है, आप वैसे कुछ नहीं, ये जो सिस्टम में लग जाता है तो पीछे लग जाता है तो बाद में कभी निकलेगा नहीं। पर ये जो रिसीवर आप देख रहे हो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिसीवर है, और इसकी जो आपका रेंज कितने तक ये रेंज देता है माउस एंड कीबोर्ड को, तो 10 मीटर तक इसका रेंज है। अगर आप इस रिसीवर के 10 मीटर के अंदर हो रेंज में, तो आपका जो माउस एंड कीबोर्ड है अच्छे से काम करेगा, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये था इसका रिसीवर। क्या आपको ये कीबोर्ड लेना चाहिए या नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, आप चाहते हो कि मुझे एक वायरलेस कीबोर्ड चाहिए बहुत ही अच्छे खासे प्राइस में, तो मैं आपको कहूंगा कि आप चले जाओ जेब्रोनिक्स जेब कंपेनियन 102 इस माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो के साथ। वैसे इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर भी इसे परचेज कर सकते हो। तो हाँ भाई, ले लो आप अगर बजट टाइट है। पर अगर मैं अगर आपको अच्छा खासा बताऊँ, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो भाई एक दो महीना रुक जाओ, अच्छे खासे पैसे आप सेविंग्स सेव कर लो, और फिर 1400 रुपीज़ में आपको डेल का अच्छा खासा माउस एंड कीबोर्ड मिल जाता है वायरलेस, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। तो उसके ऊपर मैं जल्दी से वीडियो ला दूंगा आप सभी लोगों के लिए, चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं ला दूंगा। तो ये था मेरा ओपिनियन, आप अगर बजट टाइट है, आप जल्दी से कीबोर्ड चाहते हो, चले जाओ जेब्रोनिक्स के साथ, नहीं तो अगर आप वेट कर सकते हो तो जाओ डेल के साथ, डेल का माउस एंड कीबोर्ड, उसकी भी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर भी इसे परचेस कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये सबसे बेस्ट बजट 800 रुपीस का वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।